हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एमलम विद अंकित में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त जानकारी है। आप सभी को पता होगा कि ग्लेज के कुछ डायरेक्टर्स ने छोड़ के एक अपनी नई कंपनी शुरुआत की है, तो मैं आज उसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं कि क्या वो कर रही है और किस वजह से उन डायरेक्टर्स ने वो कंपनी छोड़ी है, क्या रीजन है, और उसको ज्वाइन करने वाले लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, ग्लेज के साथ रहने वाले लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो ग्लेज के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने नई कंपनी जो शुरू की है, इसका नाम है हेल्थोरिक। 16 नवंबर 2020 को ये कंपनी शुरू हुई है और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो निकाल दिए गए थे या छोड़ के चले गए थे, उन्होंने मिलकर ये कंपनी शुरू की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्लेज में एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक था ग्लेज का, वो यह था कि ग्लेज में जो रूम सिस्टम है, उसकी वजह से कंपनी का नाम काफी खराब हो रहा था और कंपनी ने रूम सिस्टम को बंद करने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत अच्छी कोशिश की है, उसके बावजूद भी कंपनी का जो रूम सिस्टम वो बंद नहीं हो पाया था। कोरोना काल के दौरान बहुत अधिक कोशिश की गई, यानी कि लगभग रूम सिस्टम को बंद कर दिया गया, फिर भी उसके बावजूद भी क्या डायरेक्टर्स ने कंपनी को छोड़ने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि कई जगह ऐसी कोशिशें की जा रही थी, वापस रूम सिस्टम को चलाने की कोशिशें की जा रही थी। कंपनी के जो प्लान अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, गेलवे समृद्धि प्लान, उसमें भी काफी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, समझने में प्लान को दिक्कत आ रही थी। तो जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने शायद उसी मतभेद के दौरान अब कंपनी को छोड़ने का फैसला किया होगा, या कुछ डिमांड रखी होगी कि ऐसा सिस्टम किया जाना चाहिए। क्योंकि आज मार्केट में जो नामी कंपनीज है, जैसे वेस्टीज है, मोदी केयर है, या कह सकते हैं ओके लाइफ केयर है, उनका जो प्लान है वो बहुत ईजी है, समझने लायक है और हर व्यक्ति उनमें काम करके आगे बढ़ रहा है, जबकि ग्लेज में भी काफी लोग काम कर रहे हैं। अभी ग्लेज में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो रूम सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं, रूम सिस्टम में जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, वो लोग जब वापस गए हैं, कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको प्रोडक्ट तक नहीं दिया उनके अप्लायंस ने, यानी पैसे बिल्कुल खा गए। तो उन वो जो लोग हैं जो जहां रहते हैं या उनके परिवार वाले लोग हैं, जब उनको पता लगेगा कि ग्लेज का कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया है अपने गाँव में, तो ग्लेज का जो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेल करने के लिए किसी गांव में निकला, किसी व्यक्ति के पास गया और वहां पे जाके देखता है कि यहाँ का बंदा ऑलरेडी किसी जगह जाके आया था रूम सिस्टम में और वहां सफल नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, वहां के लोगों ने, वहां के लीडरों ने इसके पैसे खा लिए। और कई जगह तो ऐसी सिचुएशन भी बनी है कि उस व्यक्ति को जो वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको लोगों ने पकड़ लिया, वहां के लोगों ने बोला कि इसके, यानी कि जो पैसे रखे गए हैं कंपनी ने, जो पैसे रख लिए वो लौटाओ, उसके बाद में आपको जाने देंगे। तो ये सारी चीजें, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटरों का, क्योंकि ये रूम सिस्टम के फीड जो ड्रॉबैक है उसकी वजह से। तो हेल्थोरिक में जब शुरू किया है लोगों ने, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि नई कंपनी है तो कहीं भी दिक्कत कुछ भी नहीं है। हालांकि नाम देखो पुराना नहीं है, इसलिए चलाने में दिक्कत आएगी, लेकिन कहते हैं ना कि नए के साथ केवल एक ही चीज होती है कि उसके बैकग्राउंड नहीं है, तो बैकग्राउंड उसका पॉजिटिव बैकग्राउंड भी नहीं है, नेगेटिव बैकग्राउंड भी नहीं है। दूसरी चीज, आपको अभी कंपनी जस्ट बिल्कुल जस्ट शुरुआत में है, तो आपको ये समझ लो कि उन चुनिंदा लोगों में शामिल होने का मौका मिल रहा है जो शुरुआत में शुरू हो रहे हैं। जो शुरुआत में शुरू होने का बेनिफिट ये है कि जब कंपनी आगे बढ़ेगी, कदम आगे बढ़ाएगी, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाएगी, तो जैसे जैसे कंपनी का नेटवर्क डेवलप होगा, वैसे वैसे जो शुरुआती लोग हैं उनको अच्छा खासा अर्न होगा, क्योंकि जब शुरुआत में जो लोग जाते हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि जो लोग शुरुआत में शुरू कर रहे हैं, उनको एक बेनिफिट और मिलने वाला है कि कंपनी उनको पूरा सपोर्ट करने वाली है। सपोर्ट इस वजह से करने वाली है क्योंकि कंपनी को भी असफल होने के लिए तो कंपनी ने अपनी नींव रखी नहीं है, कंपनी चाहती है कि हम भी सफल हों, तो कंपनी सफल होने के लिए पूरा कोशिश करेगी। पूरी कोशिश किन लोगों के द्वारा करेगी? जो अभी नए नए लोग स्टार्ट किए हैं, जिन लोगों ने, उनके द्वारा कंपनी शुरू कर रही है। अब मैं बात करता हूं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थोरिक के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो किस प्रकार बेहतर है। क्योंकि देखो, आज एक एमवे का नाम आप सभी ने सुना होगा, एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो लुकिंग है वो जबरदस्त, उनकी जो क्वालिटी है वो जबरदस्त है। हालांकि एमवे अपने प्लान में कुछ भी पैसा, कोई खास पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक रीसेल होते हैं, ऑटोमेटिक रीपरचेज होते हैं। वो होते क्यों है? प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, प्रोडक्ट की लुकिंग की वजह से।
आज हेल्थ ओरिक की जो लुकिंग है मैं आपको सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो जो लुकिंग है वो आप देख रहे होंगे कि बहुत जबरदस्त लुकिंग है, बहुत लाजवाब लुकिंग है, वर्ल्ड क्लास लुकिंग हम कंपनी के डायरेक्टर्स ने रखी है। हालांकि देखो सारी की जो सीखा जो समझा है वो ग्लेज से ही सीखा है डायरेक्टर्स ने, सारी चीज जो नियत है सारी चीज है वो ग्लेज के डायरेक्टर्स के द्वारा ही सिखाई गई समझाई गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आगे प्लान की। तो देखो आज मार्केट की जो नीड है, मार्केट में हर बंदा ये जानने लग गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसा नहीं आता, तो स्टार्टिंग में अपने को काम करने के लिए पार्ट टाइम काम करने की जरूरत होती ही होती है। तो हर बंदा ये सोचता है कि पार्ट टाइम अपन काम करेंगे तो अपन लाइनों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ग्लेज का जो प्लान है या कह सकते हैं वेस्टीज का जो प्लान है या मोदी केयर का जो प्लान है, उसमें मिनिमम ये समझ लो कि 6 लाइन मेंटेन करने पे थोड़ा अपने को अच्छा खासा अर्न होता है, यानी कि जो भी वहां पे सारी चीज का जो अर्निंग है वो 6 लेग मेंटेनेंस पे ही डिपेंड करता है। अब आप भी समझ पा रहे होंगे कि जो भी बंदा नया ज्वाइन हो रहा है वो 6 लेग मेंटेन नहीं कर पाता, मुश्किल से वो 1 या 2 लेग मेंटेन कर पाता है, 3 लेग मेंटेन कर सकता है लेकिन 6 लेग मेंटेन नहीं कर सकता। तो कंपनी ने यहाँ 2 लेग का प्लान रखा है, बाइनरी प्लस मैट्रिक्स इसको, बाइनरी प्लस जनरेशन इसको किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जितना डीप जाते हैं उतना पैसा आता है और जितना वाइड फैलते हैं उसका और मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाता है। तो कंपनी ने प्लान में कुछ ऐसा डाला है, ऐसा डाला है कि इसमें आप डीप जाओगे, 2 लेग में आप काम करोगे, 2 लेग से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको लगता है कि नहीं मैं तीसरी चौथी लेग भी लगाना चाहता हूं, तो आप तीसरी लेग लगाओ, चौथी लेग लगाओ, पांचवी लेग लगाओ, छठवीं लेग लगाओ, एंड सून कितनी भी लेग आप लगा सकते हो। ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्लान का। इसमें आपको जो बाइनरी प्लान पे ही मैचिंग के अकॉर्डिंग इसमें पैसा मिलता है, तो इन फ्यूचर जब आप तीसरी लेग लगाओगे, चौथी लेग लगाओगे, तो तीसरी चौथी लेग की मैचिंग अलग से बनना शुरू हो जाएगी, तो वहां से अच्छा खासा और अर्न अपने को होने लग जाएगा। एक चीज और डाली है जो कि शायद ग्लेज कंपनी के ही प्लान से कुछ रिलेटेड करके डाला है कि अभी ग्लेज कंपनी के जो समृद्धि प्लान में भी ऐसा ही था कि जब आप तीसरी डायरेक्ट लगाओगे और छठवीं डायरेक्ट लगाओगे तो कंपनी आपको कुछ कैश रिवार्ड देगी। तो जिस प्रकार से ग्लेज में था उसी प्रकार से इसमें भी आपको मिलने वाला है कि जब आप थर्ड डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, चाहे वो किसी लेग में स्पॉन्सर करो या डायरेक्ट आप अपनी तीसरी लेग ओपन करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी लेग में अगर आप थर्ड स्पॉन्सर करते हो तो आपको 1500 रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलता है, और अगर आप चौथी पांचवी करने के बाद में सिक्स्थ लेग स्पॉन्सर करते हो, सिक्स्थ डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, चाहे आप उसको लेग में डालो, अलग से लेग ओपन करवाओ, या आप किसी भी लेग के अंदर डालो, तो आपको 2500 रुपए का केस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, आपको थर्ड लेग में आपको 1000 रुपए का केस रिवार्ड मिलता है और सिक्स लेग में आपको 1500 रुपए का केस रिवार्ड मिलता है, यानी कि टोटल आपको 2500 रुपए का केस रिवार्ड मिलने का चांस भी रहता है। और ये भी चीज आप आगे से आगे जैसे जैसे ज्वाइनिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको बढ़ते हुए ये हर बार आपको मिलेगा, हर बार तीसरी और छठवीं लेग पे, हर बार तीसरी और छठवीं स्पॉन्सर पे, हर बार तीसरी और छठवीं स्पॉन्सर पे आपको मिलने वाला है। तो अब मैं बात करता हूं कि ये सारी चीजें, ये प्लान आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। एक चीज मैं आपको बताना और चाहूंगा कि यह कंपनी अपने जो अपन केस दे रहे हैं, जितना पैसा अपन दे रहे हैं उसका लगभग 50% अपने को बीवी बिजनेस अपने को देता है, बिजनेस वैल्यू अपने को देता है, यानी कि 50% पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जबकि अदर कंपनीज की मैं बात करूं तो मैक्सिमम कंपनीज 3 या 4 रुपए में, यानी कि ये 2 रुपए में अपने को एक बीवी दे देता है, वहां अदर कंपनीज अपने 3-4 रुपए तक अपने को एक बीवी देते हैं। तो दोस्तों ये भी इसका प्लस पॉइंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आपको मैं एक नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में और आप जानकारी, अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप अगर मेरे से कुछ जानकारी चाहते हो, मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, तो मेरे नंबर आप नोट कर लीजिएगा। जाते जाते मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि MLM इंडस्ट्री है, कोरोना काल में काफी सारे डाउनफॉल लोगों के आए हैं, लेकिन MLM इंडस्ट्री 4.5% की रेट से बढ़ी है, कोरोना के दौरान भी ये इंडस्ट्री बढ़ी है, घटी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।